आज कक्षा एकादश विषय गणित, इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको अब तक उप समुच्चय के बारे में बताया, समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और उप समुच्चय, और हमने बताया घात समुच्चय। और अब तक इनके बारे में हम आपको बता चुके, परिभाषाएं लिखवा चुकी हैं। अब जो परिभाषाएं लिखवाई हमने उप समुच्चय की, उसके ऊपर कुछ सवाल हैं आज इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों में प्रतीक उप समुच्चय या नॉट उप समुच्चय भरकर सही कथन बनाइए। अब यह है 2, 3, 4, यह 1, 2, 3, 4, 5। हमने आपको उप समुच्चय की परिभाषा बताया, मान लीजिए ए है और ये बी है, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए तब वो का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, ये बड़ा समुच्चय, ये छोटा समुच्चय, लेकिन ये जो समुच्चय है इसी का समुच्चय है, छोटा समुच्चय, इसी इसके सवयव इस अवयव समुच्चय में है, तो ये उप समुच्चय है इसका। तो हम उप समुच्चय का चिन्ह है इसका 1, 2, 3, 4, 5 का, ए बी सी, बी सी डी। यहाँ बी सी तो इसमें है लेकिन ए इसमें नहीं है, इसलिए इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, इसलिए ये उप समुच्चय नहीं है। एफ सब्जेक्ट एस आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और एफ सब्जेक्ट एस आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, ये तो पूरा विद्यालय हो गया है, उसमें से एक विद्यार्थी है, ये कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो आपका विद्यालय में तो बहुत सारी कक्षाएं होंगी, पूरे विद्यालय हो गया ये कक्षा, उसका एक उप समुच्चय हो गया विद्यालय का, पूरे विद्यालय में जितनी कक्षाएं हैं उसी में से एक कक्षा 11 है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें होगा, प्रत्येक बच्चा इसका इस विद्यालय में होगा, इसलिए ये इसका उप समुच्चय है। सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स दैट एक समान समतल में एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या एक इकाई है। अब यहाँ इसकी त्रिज्या नहीं दी है कितनी है, ये बड़ा भी हो सकता है इससे, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये इसका उप समुच्चय होगा या नहीं होगा। अगर इसकी भी त्रिज्या दे रखी होती, छोटी 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 त्रिज्या का वृत्त होता इससे, ये इसमें दिया होता तो इसका ये समुच्चय अवश्य होता, लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं दी है इसमें, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, जबकि इसकी त्रिज्या दी है एक इकाई है, तो ये निश्चित नहीं कर सकते कि इसका उप समुच्चय है या नहीं, नहीं होगा, निश्चित नहीं है, इसलिए नहीं होगा, निश्चित होता तो होता। एक्स दैट एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है और ये आयत है, आयत का त्रिभुज से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये उप समुच्चय नहीं होगा। एक्स दैट एक्स किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स दैट एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज बड़ा भी हो सकता है, इसमें से संभाव त्रिभुज काटे जा सकते हैं, छोटा भी तो हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, कंडीशन तो इसकी क्लियर नहीं है, लेकिन संभाव है और त्रिभुज है तो ये आयत त्रिभुज तो अलग अलग चीज थी, ये इसी की फैमिली से है, तो ये समुच्चय है, उप समुच्चय है। एक्स दैट एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, ये पूर्णांक है, पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 और प्लस माइनस भी होती है, तो ये बड़ा समुच्चय है और ये छोटा समुच्चय है, इसलिए इसका उप समुच्चय आंसर है। नंबर 2, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य, ए बी नॉट सबसेट बी सी, ए बी इसका सबसेट है लेकिन सवाल में दिया है सब्जेक्ट नहीं है, तो ये बात सत्य है असत्य, वैसे ये सवाल तो सत्य ये इस तरह होना चाहिए ऐसे है, लेकिन दिया है ये, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अगर ऐसे दिया होता भाई ये तो सत्य होता, ये कह रहे नहीं है तो ये बात उनकी गलत है, असत्य कह रहे हैं जबकि है ये इसका उप समुच्चय। ए ई अंधेरी वर्णमाला का स्वर है, अंधेरी वर्णमाला में ए
ये होते हैं और ये है ए ई, ये इसको समझ हो गया क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें है तो ये पतन सत्य है। एक दो तीन सब्जेक्ट है, एक तीन पाँच का नहीं है क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए। एक और तीन तो इसमें है लेकिन दो नहीं है, दो रजनाट बिलोंग टू एक तीन पाँच। ये क्या है सत्य है जबकि ये इन्होंने दिया है इसका समुच है लेकिन वास्तव में ये इसका समुच नहीं है इसलिए ये कथन असत्य है। ए सबसेट ए बी सी ये सत्य है, ये असत्य है। देखिए इन दोनों सवालों में बहुत समझना पड़ेगा, अगर ये समुच ए बी सी है तो इसके उपसमुच ये हो जाते हैं आई ए बी सी, अलग अलग हम लिख सकते हैं इनके सबको, फिर दो दो फिर पूरा ए बी सी करके ये उपसमुच। तो इस तरह से अगर हम किसी इसके अवयव पर मंजिली ब्रेकेट लगा देते हैं, अगर किसी समुच के किसी अवयव पर हम ब्रेकेट लगा देते हैं मंजिली तो वो उसका उपसमुच हो जाता है। और मंजिली ब्रेकेट लगाने के बाद विलोम नहीं कर सकते इसको, वो पावर सेट बनाएंगे तब होगा विलोम, यहाँ केवल इतना होता तो सत्य हो जाता। ए बिलोंग्स टू ए बी सी ये बात बिल्कुल सत्य है लेकिन ऐसे अगर हमने मछली ब्रेकेट लगा दी तो ये इसका उपसमुच बन गया इसलिए ये असत्य है। ये है एक्स सदैट एक्स संख्या छः से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, छः से कम सम प्राकृतिक संख्या ये हुई दो और चार, और इसके जो हुए 36 के 36 संख्या विभाजित करती है, एक भी करती है दो भी करती है तीन भी करती है चार भी करती है छः करती है नौ करती है और बारह करती है और 36 इसके जो है ये बड़ा सेट हो गया ये छोटा सेट हो गया इसलिए ये वाला समुच इसका उपसमुच होगा, ये बात सत्य है। इनमें ए बराबर एक दो तीन चार पाँच, तीन चार एक अवयव है, एक दो अलग अवयव है, तीन चार एक अवयव है, पाँच एक अवयव है। पहला दिया है तीन चार सबसेट ए, तीन चार क्या सबसेट ए होगा, हमने बताया सबसेट वही होगा जो समुच में ये अवयव दिया एक दो और तीन चार अकेला अवयव है और पाँच अकेला अवयव है। अगर हम किसी अवयव पे मंजिली ब्रेकेट लगा देते हैं तब पे उसका उपसमुच बनता है, ये स्वयं में एक अवयव है, अगर इसके ऊपर ऐसे करके ब्रेकेट लगा दें अवयव के ऊपर ब्रेकेट लगा दें तब ही उपसमुच होता है, तो ये उपसमुच नहीं है, ये हमारा कथन सही नहीं है, असत्य है, ये कथन सही नहीं है। कैसे लिख सकते हैं या असत्य लिख सकते हैं, कथन सही नहीं है। टैब बिलोंग्स टू ए, अब ये ए स्वयं में अवयव है अकेला ही समुच में ही अवयव है, अवयव तो बिलोंग करेगा, ये कथन सही है। अब मैंने जैसे आपको बताया अभी ये तीन चार एक अवयव है, अवयव के ऊपर जब हम मंजिली ब्रेकेट लगा देते हैं तो वो उसका उपसमुच हो जाता है, अकेला अवयव हो और उसके ऊपर हम मंजिली ब्रेकेट लगा दें तब उसका उपसमुच होता है, ये कथन सही है। ए बिलोंग्स टू ए सत्य है, कथन सही है, बिलोंग कर रहा है। एक सत्य है नहीं है, अगर हम इस पर ऐसे लगा दें अगर किसी अवयव पे मंजिली ब्रेकेट लगा दें तब सबसेट बनता है, अभी मंजिली ब्रेकेट नहीं है ये कथन सही नहीं है। एक दो पाँच सबसेट ए, एक दो पाँच सबसेट ए ये ठीक है, कथन सही है। एक दो पाँच हमने एक दो पाँच इसके अवयव लिए और इस पर मंजिली ब्रेकेट लगा दी तो ये सबसेट बन गया, अगर हम किसी अवयव पर मंजिली ब्रेकेट लगा दें तो
सबसेट हो जाता है, पसंद सही है। अब ये पूरा लिखा है 1, 2, 5, अगर ये हटा दें तो सही है और ये कर दिया तो गलत है। ये सब कुछ बन गया, बिलोंग नहीं कर रहा, बिलोंग अलग अलग करके करेंगे, ऐसे करेंगे 1 बिलोंग 2 बिलोंग 5 बिलोंग इस तरह तो सत्य है, लेकिन इकट्ठा बिलोंग एक जब होता, जब ये मछली रिलेटेड नहीं होती, किसी भी अवयव पर मछली रिलेटेड लगाने से व्यवस्था उपसमच हो जाता है, अवयव नहीं रहता, ये उपसमच हो गया। यहाँ लिखा है बिलोंग, ये कथन सही नहीं है। अब यह 1, 2, 3 बिलोंग सबसेट है, ये नहीं है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि 3, 4 जो है वो इकट्ठा अवयव है, ये उसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते, ये कथन सही नहीं है। केवल 1, 2 तो सही है, 1, 2 पे मंजिल क्रिकेट लगा दें और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 3, 4 स्वयं में एक अकेला अवयव दिया हुआ है हमारे समझ के अंदर, इसलिए इसे 3 को अलग नहीं कर सकते, कथन सही नहीं है। आई बिलोंग है, कथन सही नहीं है, फाई है नहीं है, फाई सबसेट है, लेकिन समुच पट्टे समुच का ऊपर कुछ होता है, कथन सही है। अब फाई के ऊपर लगा दिया मतलब ब्रेकेट लगाने से समुच हो जाता है, लेकिन अवयव तो हो वो अवयव इसमें है ही नहीं फाई, ये कथन सही नहीं है। चार निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्च लिखिए, लिखा है केवल ए, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या है बराबर ए, समुच्च में जितने अवयव होते हैं वो उसकी संख्या कहलाती है, इसमें केवल एक अवयव है, एक समुच्चय है, इसमें अवयवों की संख्या ए, उपसमुच्चयों की संख्या, संख्या 2 है, 1, 2 ए बी 2 है, अब तो 2 सकते हो गए, ए बी के उपसमुच्चयों की संख्या (2^n)(2^2) = 4, ए बी के उपसमुच्चय फाई प्रत्येक अवयव का प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो फाई फिर एक एक अवयव लेते हैं और फिर ये प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये 4 अवयव हमारे हो गए 1, 2, 3, 4 आंसर। इसमें 1, 2, 3 में अवयवों की संख्या 3 है, 1, 2, 3 इस 3 से मतलब नहीं है, गिनती करके 1, 2, 3 ए बी सी होते तब भी 3, पी क्यू आर होते तब भी 3, 1, 2, 3 है तब भी 3, अवयवों की संख्या 3, 1, 2, 3 के उपसमुच्चयों की संख्या 2^(n)/(2^3)/8 फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है, फिर एक एक अवयव, दो दो अवयव, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर स्वयं तीसरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। फाई
संख्या हम इसे रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। इसमें अवयवों की संख्या शून्य है, में अवयवों की संख्या शून्य, तो समुच्चयों की संख्या होती है 2^n, 2^0=1, अर्थात फाइव स्वयं का ही एक समुच्चय होगा, अर्थात फाइव का समुच्चय फाइव एक केवल। कितने अवयव है यदि ए बराबर फाइव, ए बराबर फाइव यानी कि रिक्त समुच्चय, ए बराबर फाइव दिया है, समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या एक ही होगी, मैंने अभी बताया आपको। चौथे सवाल का लास्ट खंड जो है वो यही है, इसकी उपसमुच्चय की संख्या ये। और हम इसे ध्यान रखिए, जिस समुच्चय के उपसमुच्चयों की कितनी संख्या होती है कोई घात समुच्चय की संख्या होती है, क्योंकि घात समुच्चय में उपसमुच्चयों को ही एक समुच्चय के अंदर रख दिया जाता है, तो संख्या वही रहेगी, जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी वही घात समुच्चय के अवयवों की संख्या होगी। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, अंतराल की मैंने इससे पहले चारों कंडीशनें आपको लिखवाई हैं पिछली कक्षा में, तो वो चारों कंडीशनें ये वाली ये देख के ये आप पहचान सकते हैं ये कौन सा अंतराल है। ये था ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये था अर्धव्यवर्त अंतराल, इसको -4.6 लिख सकते हो, ब्रेकेट ऐसे लगाएंगे, ये इसकी पहचान है। एक्स अंतर एक्स -2 -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, ये था हमारा ए लेस देन एक्स लेस देन बी, तो -12 इसे खुला अंतराल कहते हैं। ये था आपका x इंटरसेक्ट x बिलोंग्स टू r, जीरो बिलोंग्स टू x लेस देन r, x लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, ये अर्ध संवृत अंतराल, ये मैंने सबकी परिभाषाएं और इनको इस रूप में लिख लिख के दिखाया था। होता है x इंटरसेक्ट x बिलोंग्स टू r, p लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, 3.4, ये संवृत या बंद अंतराल, ये था a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। इनको लिखने के तरीके मैंने चारों को चारों की परिभाषा में लिखवा दिया है पिछली कक्षा में, उनको फिर एक बार परिभाषा में पढ़ के देखें और इन कंडीशनों को देखें, इन कंडीशनों से पता चलेगा कि हम चारों को कैसे लिख सकते हैं ब्रेकेटों में, इन ब्रेकेटों में कैसे लिख सकते हैं चारों को। हमने लिख के आपको परिभाषा में सारी कंडीशन बताई हैं और यहाँ भी समझाने का पूरा पूरा ये इसका उत्तर है। निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, अंतराल को समुच्चय निर्माण, तो अंतरालों के समुच्चय दे रखे हैं उनको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। ये क्वेश्चन 6 का उल्टा है, ये खुला अंतराल हमने आपको बताया था, इसकी कंडीशन ये है माइनस ए लेस देन एस लेस देन बी, वही चार कंडीशन हैं जो हमने अभी छठे सवाल में बताई, इनसे इनको लिया था, इनसे इनको लिया था, इनसे इनको लिया था, इनसे इनको लिया था, उसका बिल्कुल उल्टा है, ये दे रखा है, तो उस कंडीशन को हमें चार याद रखनी होगी तभी हम ब्रेकडाउन का मतलब समझेंगे और इस कंडीशन को लिख पाएंगे। इस ऐसी अगर ब्रेकेट होती है तो ये कंडीशन लिखी जाती है, ये बड़ी ब्रेकेट होती है दोनों तरफ से ये कंडीशन लिखी जाती है, ए लेस देन एस लेस देन बी, ये कंडीशन होती है ए लेस देन एस लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन होती है ए लेस देन इक्वल टू एस लेस देन बी। ये चारों कंडीशन जो हमने परिभाषा लिखवाई थी उनको आपको ध्यान रखना है, उसी के आधार पर हम आपको ब्रेकेट लिखते हैं, ब्रेकेटों के आधार पर हम कंडीशन लिखते हैं। आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, समकोण के भुजों का समुच्चय और समद्विबाहु के भुजों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि समकोण के भुज का संग्रह अथवा समद्विबाहु के भुजों का संग्रह, दोनों का संग्रह त्रिभुजों के समुच्चय के अवयव के अंतर्गत आता है, प्रत्येक के लिए हम सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय।
यही मतलब है, इसलिए इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, इसमें सभी तरह के त्रिभुजों का समुच्चय आ जाएगा, चाहे वो समद्विबाहु हों, चाहे साधारण हों, चाहे विषमबाहु हों, कैसे ही हों, वो बड़ा सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा समुच्चय होता है, उसमें उसी के छोटे छोटे अवयव ये होते हैं। ये जो हमने माना है इन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, इसके छोटे छोटे समुच्चय ही ये हैं, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु, जितने तरह के त्रिभुज होंगे वो इसी के और समुच्चय होंगे, इसलिए सबका सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय। A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6 और C बराबर 0 2 4 6 8 दिए हुए हैं, पृथक माने दिए हुए हैं। इन तीनों समुच्चय और ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए चुने जा सकते हैं? ये चार खंड दिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 आई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चौथा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर मैं ये तीन समुच्चय दिए हुए हैं ए बी सी, कायदा में इन तीनों समुच्चयों से बनने वाला समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए, तो कौन होना चाहिए हमारा 0 1 2 3 4 5 6 8, इन तीनों उपसमुच्चयों से बनकर जो बड़ा समुच्चय बनता है, जैसे अभी मैंने समबाहु समद्विबाहु समकोण बताए, उसी टाइप से मान लीजिए ये समद्विबाहु, ये समकोण, ये विषमबाहु, उस टाइप से इसका बड़ा हो गया ये, यानी इन्हीं के उपसमुच्चय सब होते हैं, तीनों के उपसमुच्चय मिलाकर जो बड़ा उपसमुच्चय बनता है वो उसका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे लिए चार विकल्प दिए हुए हैं उनमें तीसरा विकल्प हम सही मान सकते हैं, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय तो पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, तो उसमें और भी गिनती हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो इस समय खंड दिए हुए चार, उसमें से तीसरे खंड में इनमें के सभी अवयव इन तीनों में हैं, तो उत्तर ये होना चाहिए, लेकिन विकल्प में नहीं दिया, ये दिया है इससे भी बड़ा दिया है, लेकिन इसका प्रतिबंध यह है कि इसी के उपसमुच्चय ये तीनों हैं। ये जो तीसरा खंड दिया है यही खंड ऐसा है जिसके सारे अवयव इन तीनों उपसमुच्चयों में हैं, तो इसके ये तीनों उपसमुच्चय हैं, इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट ये तीसरा खंड होगा। आंसर समुच्चय के कुछ सवाल आपको कराए हैं, इन्हीं के ऊपर हमने आपको ये कुछ सवाल गृह कार्य में दिए हैं, इनको आप हल करके ग्रुप में डालिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आप भी हमारे साथ साथ कुछ कर रहे हैं, और इनको गैर कॉपी पर ही हल करके पूरा सही तरह से सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिखें और इनके आंसर भी ढंग से लिखें और हमें ग्रुप पर डालें। कल फिर अगली कक्षा में आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।